कोई दल तय नहीं करती है कौन सीएम बनेंगे कौन पीएम करे। जो हमारे विपक्षी दल हैं उनको एकजुट करके हमारे देश में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देश में लाल किला पर झंडा फहराए, ये हम कार्यकर्ताओं की भावना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर सीधा निशाना साध रही है। इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल तो छोड़िए, आप लोग पीएम मटेरियल कर रहे हैं, सीएम लायक नहीं है, इस बार सीएम भी नहीं बनेंगे, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। ये बीजेपी के नेता नहीं कह रहे हैं, ये उनका अहंकार बोल रहा है, क्योंकि 2015 में भी वो लोग कह चुके थे कि हम लोग हटे हैं तो अब बिहार के सीएम कभी नहीं बनेंगे। लेकिन बिहार की जनता ने दिखा दिया, कोई दल तय नहीं करती है कि कौन सीएम बनेंगे कौन पीएम बनेंगे। बिहार की जनता तय करती है कि कौन सीएम बनेंगे। इतने दिनों लंबे काल से बिहार की सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शून्य से शिखर पर बिहार को ले जाने का काम कर रहे हैं, हर तबके का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिहार में स्थापित है, तो कहने मात्र से नहीं होता है। हम लोग का तो अब निशाना है कि देश में जो अराजक स्थिति है, जो महंगाई चरम पर है, जो आपसी भाईचारा पर कुठाराघात हो रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, इसको लेकर जो हमारे विपक्षी दल हैं उनको एकजुट करके हमारे देश में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देश में लाल किला पर झंडा फहराए, ये हम कार्यकर्ताओं की भावना है। वो तो कह रहे थे, वैकेंसी कहाँ है 24? वैकेंसी होता है इसका राजनीति में, लोकतंत्र में कहीं वैकेंसी होता है? नौकरी है क्या? कोई अपराध है कि पीएम के बारे में सोचना, सीएम के बारे में सोचना, एमएलए के बारे में बनने का सोचना, ये कोई अपराध है क्या? अंग्रेज का शासन है क्या? ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, आपको भी अधिकार है किसी पद पर खड़ा होने का, हमको भी अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अधिकार है, सबको अधिकार, ये कोई अपराध नहीं है। जंगल राज आ गया बिहार में, बिहार तो आप लोग से संभल नहीं रहा है। क्या 8 दिन में हो गया, 1 सप्ताह में क्या दिखाई देना है? वो लोग हटे तो, वो लोग साथ थे तो मंगल राज था, हटे तो जंगल राज हो गया। ये उन वो जो सत्ता से बाहर हुए हैं उसी का बौखलाहट है। हम लोग तो चाहेंगे कि जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम बनने की योग्यता थी, नहीं बन पाए किसी कारणवश, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो योग्यता रखते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चाहने वाले लोग हैं, मौका है कि 2024 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश की बागडोर उनके हाथों में हो, ताकि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में खंड खंड में विखंडित भारत को एक सूत्र में पिरोकर देश को एकजुट किया था, उसी तरह से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सभी जाति संप्रदाय धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मौका है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह से नहीं बन पाए, अब मौका है उनके चाहने वाले देश भर में जो है उनको एक बार देश की गद्दी पर बैठाए, ताकि देश एक सूत्र में बांध कर देश तरक्की करे, महिलाओं का उत्थान। अंतिम सवाल आपसे, आप तो महिला हैं, मंत्री भी हैं, लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के सामने टकराने की क्षमता नीतीश कुमार में है? क्या कमी है हमारे नेता में? अभी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कहां से होगा, देश के लोग कह रहे हैं, देश की पुकार है, देश में महिलाओं की पुकार है, जिस तरह से महिला उत्थान का काम बिहार में हुआ है उस तरह से देश की महिलाओं का नज़र माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। हम लोग एकजुट करेंगे, प्रमुख प्रखर महिलाओं को एकजुट करेंगे, जो महिलाओं का सपना है कि देश की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में हो, ताकि जिस तरह से बिहार में महिलाओं का उत्थान हुआ, देश में महिलाओं का वोट मिलेगा, एकदम मिलेगा, देखिएगा ना 2024 में। तो ये बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने तमाम बातों पर मुखर होकर कहा है और ये दावा किया है कि नीतीश कुमार एक बार लाल किले से जरूर झंडा फहराएंगे, ऐसी उम्मीद है कार्यकर्ताओं को, और नरेंद्र मोदी के सामने टकराने की क्षमता तो खैर नीतीश कुमार में है, ये बात भी पक्की कर दी है। लेशी सिंह क्या कुछ कहते हैं, हमने आपको सुनाया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।